एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आप अलग से इन क्वेश्चन की कॉपी बनाना, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्टली इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी होंगे उनकी आप अलग से कॉपी बनाना, सो दैट एग्जाम से पहले एक दिन आप इनको एक बार देख के जाओगे एग्जाम देने के लिए, और इससे आपके कंसेप्ट भी सॉल्व मतलब क्लियर हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर, लेक्चर 8 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिनस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी अब तक हमने रिएक्शन डिस्कस की है उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ओवर हियर। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवर हियर इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रो टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास कंपाउंड, मतलब हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 All thrice, see, MgBr. MgBr. This is tertiary butyl magnesium bromide. तो हमारे पास tertiary butyl magnesium bromide है. When this tertiary butyl magnesium bromide is on reaction with D2O, on reaction with D2O. अगर आप इसकी रिएक्शन D2O से करेंगे, ऑन रिएक्शन विद D2O गिव्स, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद D2O, तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है MgBr। इसकी रिएक्शन हमें करनी है विद D2O। You have to determine the product of the reaction. So this question has been asked. ये question भी आया है competitive exam में. Sir, we have not read. वो भी इसी में आएगा. उसकी एक दो preparations है, वो इसी में आएगा. Send me a reaction है, वो इसी में आएगा. उसको मैं इसी में discuss करूँगा. मारिया, उसको मैं इसी में discuss करूँगा. Preparation of halogens में send me a reaction एक important है, वो इसी में discuss करूँगा. तो इफ ऑन दिस रिएक्शन अगर आप इसको ट्रीट करोगे, टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ट्रीट करोगे विद D2O, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, मेरे पास ऑप्शन ए जो है दैट इज CH3 होल थाइस CD, ऑप्शन बी जो मेरे पास है दैट इज CH3 होल थाइस OD, ऑप्शन सी जो मेरे पास है दैट इज CH3 whole thighs this is CD3 whole thighs CD and option 4th jo mere paas hai that is CD3 whole thighs OD. mujhe bata is question ka answer CD3 whole thighs OD. CD3 whole thighs OD. So this question has been asked. ये question आया है 1997 IIT में. ये question 1997 IIT में आया है. क्या आप इस question का answer निकाल सकते हैं? तो मेरे पास यहाँ पे answers आ गए. Very nice. Very good. बहुत ही बढ़िया. IIT का question. Very good. तो बेसिकली दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
दिस इज जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने कहा था अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर के बदले हमने D2O लिखा है ना, D2O इज लाइक दिस, तो बेसिकली दिस इज व्हाट, तो यहाँ पे आपके H के बदले D है, तो व्हेनेवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद प्रोटिक सॉल्वेंट तो वहां से क्या होता है, इट्स अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स, so the bond will break like this, यहाँ पे मेरा कार्बन है, so the bond will break towards कार्बन, मैं इसको एक बार फिर देखूंगा, मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ मिथल ग्रुप है, यहाँ पे मिथल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथल ग्रुप अटैच है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, so actually what will happen, this bond will break, इसकी तरह bond break होगा towards this carbon atom because magnesium is a metal, magnesium metal है, it will not take electron, तो मैग्नीशियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो बेसिकली आपके पास बन के आएगा न्यूक्लियोफाइल 1, 2, 3, तो मैं यहाँ पे CH3 लिखूंगा होल थाइड, तो आपके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज्ड कार्बन एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जगह आपके पास यहाँ पे ड्यूटेरियम, प्रोटॉन की जगह आपके पास यहाँ ड्यूटेरियम है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, तो बेसिकली आपका डी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 whole thighs D, तो आपका आंसर बन के जो आएगा that is this answer, so this is the correct answer, जिस किसी ने भी मारिया शाफिया ने आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया, जिस किसी ने भी ये वाला क्वेश्चन किया बहुत ही बढ़िया, मतलब उसको हेलोअल्केन तो हेलोअरीन में मतलब प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दे दो, now this is again a very very important question, अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो you can take screen shot of this question. Now let me take one more question. तो second question में यहाँ पे लूँगा. Let me take second question over here. Now the question is, what would be the product formed when one bromo three chlorocyclobutane? What will be the product formed? The product formed from one bromo. One bromo three cyclobutane on reaction with two equivalents of metallic sodium and diethyl. Product formed from one bromo on reaction with two equivalents of सोडियम इन ड्राई ईथर, तो मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन है इन ड्राई ईथर, मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आप साइक्लोब्यूटेन को ट्रीट करोगे विद टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो होगा यहाँ पे, थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, मुझे बताइए कौन, वेरी गुड वेरी नाइस, दिस इज अ व्हाट्स रिएक्शन, वेरी नाइस, सो दिस इज व्हाट्स रिएक्शन, तो मेरे पास रिएक्टेंट कौन सा है, मेरे पास ये वाला रिएक्टेंट है साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, तो पोजीशन वन पे मेरा क्लोरीन ग्रुप है, इफ दिस इज वन पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, पोजीशन वन पे मेरा ब्रोमीन ग्रुप है, लेट पोजीशन वन इज दिस, तो पोजीशन वन पे मेरा ब्रोमीन ग्रुप, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, इसको हम लिखेंगे वन ब्रोमो थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, अगर इसको ट्रीट करोगे विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, विद सोडियम एंड ड्राई ईथर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है आई विल गिव द ऑप्शंस ओवर हियर, तो मेरे पास जो ऑप्शंस है ऑप्शंस आर लाइक दिस, दिस ऑप्शन नंबर वन, दिस इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड दिस इज ऑप्शन नंबर थर्ड एंड दिस इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, मुझे बता इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इट हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी 2005 में आया है, आईआईटी 2005 में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, आया है ये क्वेश्चन, तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस नीलोफर जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड मारिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बहुत ही बढ़िया, आप ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। नासी सोडियम इन ड्राई ईथर में क्या होता है? हमारे पास गुड्स रिएक्शन एक्चुअली है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं। वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ से सोडियम रिप्लेस करता है, इन दो हैलोजन एटम्स को निकालता है। बेसिकली इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनता है, एंड दीज फ्री रेडिकल्स कंबाइंड टू फॉर्म अल्काइल। तो यहाँ से आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे बन के आएगा, यहाँ से आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे बन के आएगा, दीज टू रेडिकल्स विल रिकम्बाइन टूगेदर एंड दे विल गिव द प्रोडक्ट दिस। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस क्वेश्चन इज आल्सो हैज दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मैं एक रिएक्शन आपको पहले दिखाऊं। अगर हम हेलो अल्केन को ट्रीट करेंगे विद, या पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल ऑन रिएक्शन विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ऑन रिएक्शन विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल गिव अस। नाउ व्हाट इज टर्शियरी ब्यूटेनॉल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो यहाँ पे अगर OH है दिस इज टर्शियरी ब्यूटेनॉल, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को टर्शियरी ब्यूटेनॉल से रिएक्ट करना है, आपको बताना है व्हाट विल बी द आंसर। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है दैट इज बेंजीन, ऑप्शन बी जो यहाँ पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे फिनॉल है, एंड ऑप्शन सी जो यहाँ पे है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, एंड ऑप्शन फोर जो यहाँ पे है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। शाफिया ऑप्शन फोर, ऑप्शन टू, अरे इस क्वेश्चन का आंसर ये पहला वाला क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है ना, इस और उस क्वेश्चन में कौन सी फर्क है? यहाँ पे भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, व्हेनेवर यू हैव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो उसमें क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर आप वेरी गुड बेंजीन, वेरी गुड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है, दिस इज फिनाइल ग्रुप, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ब्रोमाइड, तो आप इसको ट्रीट करते हो विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल, तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल मेरा ये वाला कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेसिकली ये जो कार्बन है दिस इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पे डेल माइनस है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपका बन के जो आएगा दैट इज बेंजीन, तो यहाँ पे जो आपका बन के आएगा दैट विल बी बेंजीन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स भी सोच सकते हो, ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये वाला प्रोडक्ट भी, ये भी, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस बेंजीन। तो दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी IIT 2005 में आया है, ये क्वेश्चन भी IIT 2005 में आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लूंगा, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आपको लगेगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, और हियर वी हैव फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
मिथल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा अबोध प्लेन बी आर लगा हुआ है। अबोध मतलब स्टीरो केमिस्ट्री इसमें है, अबोध प्लेन बी आर लगा हुआ है। आपको इसको ट्रीट करना है विद पी एच एस माइनस एंड एन ए प्लस। तो मैंने कहा था दिस पी एच एस माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस पी एच एस माइनस एंड एन ए प्लस इन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड डी एम एफ इज अ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे प्रोडक्ट जो आएगा वो कौन सा होगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज दिस विल बी सेकंड ऑप्शन, पहले मैं बेंजीन रिंग बनाऊंगा, दिस विल बी थर्ड ऑप्शन एंड दिस विल बी फोर्थ ऑप्शन। नाउ अब मैं इन पे ग्रुप्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ मेरा मिथल ग्रुप प्रेजेंट है और बिलो द प्लेन एस पी एच। यहाँ मेरा फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ मेरा मिथल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ मेरा एबो द प्लान एस पी एच ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पे एबो द प्लान, यहाँ पे मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, एबो द प्लान फ्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, एबो द प्लान ब्रोमीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एस पी एच प्रेजेंट है और यहाँ पे एन ओ टू ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे बिलो द प्लान ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एस पी एच ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एन ओ टू ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट दिस विल क्लियर योर कंसेप्ट। तो बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, दो में से कौन सा ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। नाउ टेल मी विच वन इज गुड लीविंग ग्रुप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम किया है मारिया जी ने यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी 2008 आईआईटी में आया है, 2008 आईआईटी में आया है। दीज आर ऑल आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन। तो नीलोफर जी वन, शाफिया वन, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली आप मुझे बता यहाँ पे विच वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दो में से फ्लोरीन और ब्रोमीन, विच वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वेरी गुड, ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ पे नहीं हो सकता है। यू कैन कैंसल ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर। नाउ ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड में क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन होगा, या तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस कंजुगेशन, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है दैट्स अ प्रोटिक सॉल्वेंट और यहाँ पे जो एस पी एच है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है और ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो SN2 रिएक्शन फेवर होती है। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होगा तो बेसिकली जो मेरा एस पी एच आएगा वो बिलो द प्लेन आ जाएगा और ब्रोमीन विल लीव। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज दिस वन। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया काम किया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। तो ब्रोमीन इज अ लिविंग ग्रुप, सिंस SPH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, DMF इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, देयरफॉर SN2 रिएक्शन विल फेवर, देयरफॉर आपका प्रोडक्ट जो बन के आएगा दैट प्रोडक्ट इज ऑप्शन नंबर वन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले सकते हो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले सकते हो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले सकते हो। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां से लेंगे। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। बेंजाइल क्लोराइड कैन बी फॉर्मेट। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला भी दी गई है C6H5CH2Cl कैन बी फॉर्मेट, बेंजाइल क्लोराइड कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम टॉलवीन बाय क्लोरीनेशन विद तो टॉलवीन की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। टॉलवीन इज नथिंग, इट इज बेंजीन रिंग विद मिथाइल ग्रुप।
बाई रिएक्शन विद। तो आपको बताना है ये वाला कंपाउंड इससे कैसे बनेगा, किससे आप रिएक्शन करोगे। नंबर फर्स्ट इज SO2Cl2, नंबर सेकंड इज SOCl2, नंबर थर्ड जो आपके पास है दैट इज क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, नंबर फोर्थ जो आपके पास है दैट इज NaOCl। तो बेसिकली आपको इससे ये वाला कंपाउंड बनाना है। आपके पास जो रिएक्टेंट है दैट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। क्या मैं इसको लिखूं CH2H, दैट इज CH2CH, दिस इज CH3। तो मैं इसको यहां पे लिखो, अच्छी मैंने इसको यहाँ पे CH2H लिखा, तो इसको किससे मैं रिएक्ट करूंगा सो दैट ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, किससे मैं रिएक्ट करूंगा सो दैट ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। वेरी गुड, क्लोरीनेशन, वेरी नाइस फरहत, नीलोफर, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आंसर्स आएगी है फरहत, नीलोफर, मारिया, मारिया ने नहीं दिया है, नीलोफर ने दिया है, फरहत ने दिया है, वेरी नाइस, शाफिया ने भी दिया है आंसर, क्लोरीनेशन करनी। तो बेसिकली आप यहाँ से सोच सकते हो अगर आपके पास SO2Cl2 होगा तो आपका अल्कोहल बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद दिस गिव अल्कोहल, यहाँ से भी अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ क्लोरीन, बट यहाँ पे ये वाला यूज नहीं होता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, दैट यू कैन यूज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन 1998 IIT में, ये क्वेश्चन आया है 1998 IIT। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई ईथर एंड इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH, ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल गिव्स। तो आपको बताना है इसका प्रोडक्ट, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है ना, दो ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो यहाँ पे इस ग्रुप को आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, दिस इज आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इस ग्रुप को कहेंगे दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसको आपको रिएक्ट करना है इन ड्राई ईथर विद इथेनॉल, इसको रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ड्राई ईथर का यूज करना है एंड इथेनॉल का यूज करना है, मतलब अल्कोहल के साथ ट्रीट करना है, बट सॉल्वेंट और हियर इज नॉट वाटर, सॉल्वेंट इज ईथर, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन ओवर हियर, तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आई गिव यू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन ओवर हियर इज, यहीं पे ऑप्शन बनाऊंगा, ऑप्शन नंबर वन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ इज। तो मुझे पता इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन 1995 में आए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक अगेन वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा सिंस इट्स अ प्रोटिक, यहाँ पे प्रोटॉन सोर्स है हमारे पास, देयरफॉर यहाँ से H+ निकल के आएगा, इस H+ को यहाँ पे अटैक करेगा दिस CH2, विल गेट
दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे सी एच थ्री है. तो बेसिकली दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी नाइस. नीलो पर मारिया शाफिया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग. मतलब डिग्नॉड रिएजेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. मतलब कहने की बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. द चीफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन ब्यूटेन एंड ब्रोमीन एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको बताना है चीफ प्रोडक्ट कौन कौन सा है. तो यहाँ पे एक ऑप्शन CH3, CH2, CH2, CH2Br. नंबर सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज CH3, CH2, CH, CH3Br. नंबर थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज CH3, CH2, CH, Br, CH2Br. नंबर फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ आपको ट्रीट करना है. हाई टेम्परेचर रिएक्शन है CH3, CH2, CBr2, CH3. तो आपको बताना है इसका आंसर. आपको बताना है ब्रोमिनेशन क्या देता है. 1-2 प्रोडक्ट देता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होगा देन ब्रोमिनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. एट हाई टेम्परेचर ब्रोमिनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. ब्रोमिनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो हमारे पास ब्यूटेन है, तो मुझे पता अब इसका आंसर. क्ल्यू मैंने दे दिया, एट हाई टेम्परेचर ब्रोमिनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अरे यार देखो, यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा दैट विल बी प्राइमरी रेडिकल. यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी रेडिकल. तो एक्चुअली Br रेडिकल यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके सेकेंडरी रेडिकल बनाएगा, बिकॉज रेडिकल आर स्टेबलाइज्ड लाइक दैट. तो सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल होता है देन दैट ऑफ प्राइमरी रेडिकल. तो नेक्स्ट स्टेप में Br रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, CH, Br, CH3. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है. This one, ये प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है. Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Very good, very good, very good. Maria Shafia Farhat, very nice, very nice, very nice. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ. दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन. एक रिएक्शन ऑफ, ये आप नोट करना कहीं पे, एक रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद अल्कोहलिक KOH. With alcoholic KOH means मतलब ethanolic KOH means when the solvent is alcohol. With alcoholic KOH इसको कहते हैं alcoholic potassium. Number second, reaction of alkyl halide with aqueous KOH. तो बहुत ही important है ये. एक alcoholic KOH, number second aqueous KOH. When you treat haloalkanes with alcoholic KOH, the product is alkene. When you treat with aqueous KOH, the product is alcohol. तो ये बात आपको याद रखनी है. With alcoholic KOH, alkene बनता है. With aqueous KOH, alcohol बनता है. With alcoholic KOH, alkene बनता है. तो this is very very important. For example, मेरे पास यहाँ पे question आया है. Question 1991 में IIT से पूछा गया है. 1991 में IIT से पूछा गया है. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस. क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज 1-chlorobutane ऑन रिएक्शन विद 1-chlorobutane ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटैश.
means what is alcoholic potash? It is alcoholic KOH gives. So aapke paas options hai, 1-butene, terminal butene banta hai yahan, terminal alkene banta hai yahan pe always terminal alkene is formed. Usually terminal alkene is formed. Number second, तो आपके पास बनता है 1-butanol. नंबर थर्ड आपके पास बनता है 2-butene. नंबर फोर्थ आपके पास बनता है 2-butanol. तो बेसिकली आपके पास कौन सा कंपाउंड है? 1-chlorobutane. दिस इज 1-chlorobutane. दिस इज 1-chlorobutane. अगर आपके पास एक्वस की अल्कोहलिक KOH है, मतलब KOH है, K plus OH minus, but this is alcoholic. तो alcoholic के केस में क्या होता है? This bond leaves, तो यहाँ पे cation positive charge generate होता है, and this alcoholic KOH it acts as a base. यहाँ से proton को abstract करके, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, proton को abstract करके यहाँ पे formation of alkene करता है. So over here we will get CH2CH double bond CH. लेकिन वहीं पे अगर आपका एक्वस KOH होता है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, OH अटैक्स दिस कार्बोकेटायन. मींस एक्वस के केस में सब्स्टिट्यूशन होती है, और अल्कोहलिक के केस में कौन सी रिएक्शन होती है? इलिमिनेशन रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस बात को आप नोट करके रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बात को वेरी गुड. तो इस बात को आप नोट करके रखना, एक्वस और अल्कोहलिक पोटैश, दिस इज अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं. हम कल डिस्कस कर रहे थे फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शन. तो मुझे इस रिएक्शन का आंसर बता, मुझे इस रिएक्शन का आंसर बता. अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद दिस कंपाउंड In presence of AlCl3, what type of reaction is this? ये कौन सी reaction है? मुझे बताइए ये कौन सी reaction है? What type of reaction is this? ये कौन सी reaction है? ये वाली reaction है, ये कौन सी reaction है? Is it Friedel-Crafts reaction? Reaction of benzene with alkyl halide in presence of alkyl halide in presence of AlCl3. It is Friedel-Crafts alkylation. Isn't it Friedel-Crafts alkylation? Very good. It is Friedel-Crafts alkylation. Very good. So, यहाँ पे क्या होगा? Basically, ये जो आपका compound है, यहाँ पे आपका AlCl3 attack करेगा. Now, AlCl3 is electron deficient, therefore, chloride ion यहाँ पे attack करेगा. यहाँ पे हमारे पास positive charge आएगी. So, basically, हमारे पास यहाँ पे carbocation आएगा. और AlCl4- आएगा. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन. फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर अल्काइलेशन होगी या एसाइलेशन होगी तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस. क्या मैं यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकूंगा? अगर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा. नाउ दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन विल रिएक्ट विद दिस बेंजीन. दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन विल रिएक्ट विद बेंजीन. तो मेरे पास जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन. तो यहाँ से अटैक होगा, वी विल गेट, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट प्रोडक्ट इज दिस. तो दिस इज प्रोडक्ट. नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन दो पार्ट्स पे आया था. दिस वॉज पार्ट वन ऑफ नीट. तो उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका फिनॉल से रिलेटेड था. हैव यू गॉट दिस? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया था? Have you got this? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? देवता ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बता ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है और ये वाला प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट. इट इज नॉट लाइक दैट कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा. यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो वहां से प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा 1, 2 and 3. ये वाला प्रोडक्ट की बनेगा, बट दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मड फ्रॉम, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मड फ्रॉम सेकंड मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन. वेरी गुड. तो बेसिकली आया है ये क्वेश्चन नीट में, 2 साल पहले आया था ये क्वेश्चन. एक पार्ट उसका ये था. तो सेकेंड पार्ट ऑफ फिनॉल इसका डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं ये रिएक्शन करूंगा, क्या आप इस रिएक्शन का आंसर दे सकते हो? आई विल टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है.
I treat this compound with AlCl3 and benzene. So can you give the answer of this compound? Kya is compound ka answer aap de sakte ho? Kya is compound ka answer aap de sakte ho? So basically kya hoga? Again this Cl negative will be attacked over here. So yahan pe carbocation ban jayega. This is stabilized carbocation. तो बेसिकली आपके पास यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज दिस कार्बोकेटाइन, दिस इज बेंजील कार्बोकेटाइन, दिस इज वेरी मच स्टेबल. तो यहाँ से बेंजीन है, बेंजीन अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. बेसिकली यहाँ जो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा दैट इज लाइक दिस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट. यहाँ से बॉन्ड बना इस कार्बन पे विल गेट लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है. तो ये वाला प्रोडक्ट दिस इज अगेन फेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन के आता है. हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बुक से मैंने इसको लिया है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही अच्छी बुक से मैंने इसको नोट डाउन किया है. तो आप लोग फिर से अभी ज्वाइन करना, आप लोग अभी फिर से ज्वाइन करना, सो दैट वी विल डिस्कस प्रिपरेशन एज वेल. अब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा, अब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन क्या होगा. आप लोग अगेन एक बार फिर से ज्वाइन करना यहाँ पे.